सिमडेगा जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ। उपायुक्त सिमडेगा और रोनिटा सूचना भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। महिला के कार्य परिणाम का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि महिला के अधिकार व सम्मान को लेकर सभी लोग मिलकर कार्य करें। महिला की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। लोगों को इसकी जानकारी और लाभ सही तरीके से मिले, इस पर सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। से समाज कल्याण की टीम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इस कार्य में सबसे ज्यादा भागीदारी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में भी महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज कल्याण हेल्थ विभाग की टीम वैक्सीनेशन हो या घर घर सर्वे का कार्य हो, इसमें बेहतर प्रदर्शन रहा है। महिलाओं की भूमिकाओं का सम्मान करना चाहिए। समाज के निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जिले से डायन कुप्रता सहित नशापान हड़िया दारू बेचने की जो आदत थी, सब दूर करने का संकल्प लेने को कहा। बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना है, बेटी और बेटे में अंतर ना हो, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। महिला के विरुद्ध जो भी अन्याय हो रहे हैं उसके विरुद्ध मिलकर लड़ने के लिए भी कहा। अधीक्षक बाल संप्रेक्षण गृह सपना सन्यासी, महिला पर्यवेक्षिका पुष्पा देवी, महिला में तेजस्वी समन्वयक जेएसएलपीएस की दो दीदी सेविका अनीता, वीना मिंच, भारती शिखर, सुषमावती देवी सहित कुल 8 सेविकाओं को सम्मान करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, जिला नजारत उप समाहर्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज आदि लोग उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए धनंजय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।